इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कुछ दिन प्रभु भैया के साथ गुरु सेवा में रहे, जनकपुर से संदेशा आया, खबर आई, महामुनि विश्वामित्र जी बिटिया रानी के स्वयंवर में आशीर्वाद देने आने की कृपा करें। देखो, किसी श्रेष्ठ को बुलाना है ना, तो लिखना चाहिए कि आप कृपा पूर्वक पधारें, आशीर्वाद दें। श्रेष्ठ को ऐसा नहीं लिखना चाहिए, आप पधारने का कष्ट करें। यदि कष्ट पढ़ा गया तो श्रेष्ठ ही नहीं करेगा, तुम ही कष्ट झेलो, हम कष्ट में क्यों आए है। एक कार्ड छपवा लिया, वह कार्ड गुरुओं महाराज के, वह कार्ड पिताजी का, वह कार्ड गांवों का, तो फिर गुरु महाराज को नहीं जाना चाहिए, अपनी गरिमा में रहना चाहिए। शेष नहीं विशेष, आग्रह, स्वभाव हमारा आग्रही हो, ये संस्कार है। विश्वामित्र जी महाराज पधारने की कृपा करें, काहे आशीर्वाद हेतु। पता चला गुरुदेव भगवान, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। नारी शाप बस उपल देह धरी, चरण कमल कृपा गौतम जी की नारी हैं। जब प्रभु ने पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, ये पत्थर प्रभु, ये प्रस्तर का विग्रह, गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा ये अहल्या जी हैं, गौतम ऋषि की धर्मपत्नी, शाप के कारण से पत्थर हो गई, आपके चरण की रज से गौतम ऋषि जी ने इनका मोचन कहा है, इसलिए हे राम जी कृपा करिए। प्रभु ने सुना तो सरकार ने सुनते कृपा कर दिया हो, पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सहि, देखत रघुनायक जन सुखदा, सन्मुख होई कर जोई। प्रेम, दृढ़ता, सजगता, लेकिन सहजता। हम सबसे असत्य बोल सकते हैं, भगवान से नहीं, क्यों? सब जगह है, सबको ठग सकते हैं, अपने को नहीं, क्यों? हम हैं।
आप गांव को ठग लो, मोहल्ले को ठग लो, घर वालों को ठग लो, अपने को कैसे ठगेंगे आप? हैं? परमात्मा को देखते ही मां के नेत्रों से प्रेम अश्रु छलक पड़े और झरझर नेत्रों से भगवान का दर्शन प्राप्त करते अहल्या मां बोल पड़ी, प्रभु मुनि सापे अति भल परम अनु Thank you.
अहंकार। एक महामंत्र है इस प्रसंग के आश्रय में, गलती सब करते हैं, होती है, हो जाए, कुछ जानकर कुछ अनजानकर गलती हो गई, पता चल गया, भगवान की शरण में आ गए कौनो पुराकृत कर्म से, अब भगवान से कहें प्रभु अवलौ नसानी अवनान सिंह, आज तक जो भया सो भया, किया सो किया नहीं, आज तक जो भया सो भया, अब नहीं, अब तो हम आपकी शरण में आ गए हैं। परमात्मा की शरण में आकर केवल यही कह दे तवास में, बस पार। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं पार्थ को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, आजा, आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, आ कई बार मैं निवेदन करता हूं, अपने पापों का स्मरण न करें, प्रभु की कृपा का स्मरण करें। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।